हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसी है मेरी पहाड़ी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं, मैं भी उठ चुका हूँ। उठ तो मैं पहले गया था करीब 6 बजे, तो वीडियो अपलोडिंग कर रहा था आप लोगों के लिए। 8:30 बजे के आसपास में ब्लॉग आ जाएगा, ब्लॉग ज़रूर देखना। तो अभी मैं आपको नज़ारे दिखाता हूँ, क्योंकि क्लीन व्यू आ रहा है, धूप बढ़िया आई हुई है और रात को जो ओस बोलते हैं हम, ओस काफ़ी गिरी हुई है। मैं अभी आपको नज़ारे दिखाता हूँ पहाड़ों में कैसा मौसम हो रहा है सुबह के टाइम में। तो फिर उसके बाद अपना दिन और अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड, ये गेहूं बो रखे हैं और गेहूं के ऊपर देखिए, आपको अगर महसूस हो रहा होगा तो ओस तो बहुत गिरी हुई है, लेकिन नज़ारे काफ़ी शानदार आ रहे हैं धूप आने के बाद। देखिए ऐसा व्यू, ऐसी रौनकें, ऐसा शांत माहौल केवल पहाड़ों में ही देखने को मिलता है। और मेरी वीडियो के माध्यम से मैं आपको भी महसूस कराना चाह रहा हूँ। और सामने में तो अभी बर्फ़ नहीं पिघली हुई है, काफ़ी बेहतरीन नज़ारे आ रहे हैं अभी सुबह के टाइम में। तो फाइनली सीन ऐसा है दोस्तों, मैं रेडी होके नाश्ता वास्ता करके आ गया हूँ घर से अपने काम के लिए। अभी चल रहा हूँ चौकटा वाली रोड पे। आज व्यू भी काफ़ी शानदार आ रहा है, मौसम भी काफ़ी बढ़िया हो रखा है। तो पहुँच जाता हूँ चौकटा, फिर आपको नज़ारे दिखाता हूँ। दोस्तों व्यू तो अभी अच्छा आ रहा है चौकटा से, काफ़ी शांत और बादल आए हुए हैं आसमान में और माहौल काफ़ी शांत है। देखिए परसों तक चुनाव प्रचार प्रसार की गाड़ियाँ ही हल्ला बहुत हो रहा था, लेकिन आज शांति काफ़ी है। तो मैं अब आपको काम दिखाता हूँ कि आज यहाँ पे कितने रिटेनिंग वॉल की चिनाई हो चुकी है अभी तक। तो फ्रेंड यह है वो रिटेनिंग वॉल का काम जो यहाँ पे चला हुआ है। अभी लगभग इतनी रिटेनिंग वॉल की चिनाई हो चुकी है और अभी मिस्त्री पत्थर बना रहा है। पत्थर को बनाना पड़ता है, ये नहीं कि पत्थर कुछ भी आया यहाँ पे लगा दिया। तो पत्थर को इसी प्रकार पहाड़ों में बनाया जाता है और इसी प्रकार के पहाड़ों में रिटेनिंग वॉल बनानी चाहिए ताकि मजबूत और टिकाऊदार रिटेनिंग वॉल रहे। यह हमारा मसाला है जो रिटेनिंग वॉल के लिए बनाया जा रहा है और नीचे रोड से ही लाया जा रहा है मटेरियल यहाँ पे। और नज़ारे काफ़ी शानदार आ रहे हैं, अभी व्यू काफ़ी औसम देखने को मिल रहा है, बादल आए हुए हैं हल्के हल्के और काम करने के लिए काफ़ी बढ़िया हो रहा है। तो दोस्तों फाइनली चौकटा से आ चुके हैं, अपने गांव पे पहुंच चुके हैं, घर पे पहुंचने वाले हैं। तो लंच करके आते हैं, भूख भी लग रही है। और कंधे में मैंने जो सुबह दूध देने के लिए बाल्टी लाया था, बाल्टी अभी ले जा रहा हूँ घर पे वापस। तो आगे आगे चल रहा है दीपू भाई, पीछे से मैं चल रहा हूँ। बस 10-15 मिनट की पैदल वॉकिंग और रहेगी, तो उसके बाद पहुँच जाते हैं घर। और नज़ारे काफ़ी बेहतरीन आ रहे हैं अभी दोपहर के समय में भी। जा रहा हूँ मैं घर के रास्ते से, घर वाले रास्ते से, और यहाँ से व्यू देखिए। तो फाइनली दोस्तों घर पे पहुँच गया हूँ और मम्मी ने मस्त राजमा चावल बना रखा है, वो मैं अभी खा रहा हूँ, अपने लिए ला गया हूँ। और मेरे पीछे देखिए वादियाँ कितनी खूबसूरत आ रही हैं, पहाड़ों में तो देखिए पूरे बादल ही आए हुए हैं आसमान में। अभी आपको नज़ारे दिखाता हूँ पीछे के। तो देखिए दोस्तों सामने का नज़ारा, काफ़ी खूबसूरत मौसम हुआ है। आसमान में देखिए क्लाउड भरे भरे से लग रहे हैं और इस प्रकार का मौसम हुआ है अभी मुक्तेश्वर पहाड़ों में। और आप अगर शहरों से हैं तो शहरों में हमें ज़रूर बताइएगा किस प्रकार का मौसम बना हुआ है, गर्मी हो रही है या ठंडा है। और देखिए आसार तो फिर हैं, 19-20 को बताया है कि फिर से बारिश बर्फ़बारी का अनुमान है। और जिस हिसाब से 2-3 दिन से मौसम भर रहा है, देखिए लग भी वैसा ही रहा है कि बारिश हो सकती है, पूरे आसमान में बादल भरे हुए हैं। तो मैं करता हूँ लंच, तो उसके बाद निकलते हैं चौकटा। तो फाइनली दोस्तों फिर से चौकटा पे पहुंच चुका हूं, मेरे पीछे आप मंदिर देख रहे होंगे सेमजू का। तो खाना भी खा लिया और मस्त अमित भाई के लिए देखिए खाना भी लेके आया हूं घर से। तो चौकटा पहुंच चुके हैं और देखेंगे यहां शाम तक हमारी दीवार की कितनी चिनाई हो सकती है और हो पाती है। और मौसम तो काफ़ी सुहावना बना ही हुआ है, तो चलिए चलते हैं, अमित भाई को खाना देते हैं, फिर देखेंगे आगे को।
तो दोस्तों सभी लोग तो खाना खा रहे हैं, मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। सुबह से काफ़ी दौड़ा भागी हो जाती है, काफ़ी थकान भी हो जाता है। रोज़ ही हमारा चलना रहता है 5-10 किलोमीटर, तो हम डेली अप डाउन वैसे ही करते हैं। तो थोड़ी देर ये लंच कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा आराम करते हैं, और उसके बाद जब काम होगा और कितना काम यहाँ पर हो पाता है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। नज़ारे काफ़ी अल्टीमेट आ रहे हैं, काफ़ी शानदार व्यू आ रहा है अभी दोपहर के समय में। रौनक ही अलग होती है पहाड़ों की। तो दोस्तों चकोटा से निकलने के बाद मैं पहुंच चुका हूं परबड़ा पे। यहां हम किसी काम से आए हैं, यहां पे एक पास में शिवालय मंदिर है, तो उसके पास में हमारा थोड़ा काम है, तो वो काम निपटाते हैं। तो दोस्तों जो ये बोर्ड लगा है, यहां से एक रास्ता है नीचे को, सामने कॉटेज देख रहे होंगे, इसके नीचे है मंदिर, तो वहाँ पर जाना है, वहाँ पर थोड़ा काम है। और व्यू दिखाता हूँ परबड़ा गाँव से, व्यू देखिए फ्रेंड। काफ़ी बढ़िया और शानदार नज़ारे देखने को मिल रहे हैं परबड़ा गांव से भी। यह वेल डेवलप गांव है परबड़ा भी, बहुत से बाहरी लोग यहां पर बसे हुए हैं, और गांव तो पूरा अपने आप में बड़ा गांव है परबड़ा वाला। तो मैं चलता हूं इस रास्ते से नीचे को, और वहां पर अपना काम थोड़ा बहुत निपटाते हैं, फिर चलेंगे मजेड़ा साइड पर। व्यू काफ़ी शानदार आ रहे हैं आपको पहाड़ों के, ये व्यू कैसे लगे हमें कमेंट में शेयर करिएगा। काफ़ी शानदार नज़ारे देखने को मिलते हैं पहाड़ों से, चाहे सुबह हो, शाम हो, या दोपहर का समय हो। काफ़ी बढ़िया एक सोसाइटी टाइप है ये, और सामने जो आप बिल्डिंग्स देख रहे हैं वहीं पे एक्टर जॉन अब्राहम का भी बंगलो है वहाँ पर, और परबड़ा बंगलो नाम सुना होगा, वो भी इसी गाँव में पड़ता है। और देखिए आसपास अभी बाहरी लोग बसे हुए हैं, ये सारे कॉटेजेस बाहरी लोगों के हैं, और शानदार नज़ारे इस गांव से देखने को भी मिलते हैं परबड़ा गांव से, काफ़ी शानदार व्यूज आते हैं। और जो ऊपर बर्फ़ सी दिख रही है आपको हल्की, वो है आपका धानाचुली, काफ़ी सामने एकदम मुँह के सामने नज़र आता है। और जो ये बिल्डिंग्स दिख रही, इन्हीं में है एक्टर जॉन अब्राहम का बंगलो, जो आपको ये टिन एक लंबा सा सेट दिख रहा है, मार कर रहा हूँ, वहाँ पर बताते हैं लोग, अब ज़्यादा तो हमें भी पता नहीं है, लेकिन कहते हैं कि यहाँ पर लिया हुआ है और बना रखा है अपना। व्यू देखिए काफ़ी मस्त व्यू देखने को मिल रहा है, और पास में ही हमारा शिवालय मंदिर इस गांव का, काफ़ी बढ़िया मंदिर है। बढ़िया फसल इस गांव में होती है, अभी खेतों को रेडी किया जा रहा है, बढ़िया यहाँ पर आलू गोभी जो भी यहाँ पे सभी प्रकार की फसलें हैं वो होती हैं। और मैं पहुँच गया हूँ वहाँ पे भोलेनाथ, जो यहाँ पे शिवालय मंदिर है उसके पास में, ये एंट्री गेट इस मंदिर का, काफ़ी बढ़िया मंदिर है। और नज़ारे काफ़ी शानदार आते हैं यहाँ से, और काफ़ी प्यारी एकदम बढ़िया ठंडी हवा यहाँ पर बहती है। और मैं जो जिस साइड से हम आए चकोटा से, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जो सामने बिल्डिंग से दिख रही है, मैंने जूम किया हुआ है अभी, तो यहाँ से मैं मार्क कर रहा हूँ, यहाँ से हम यहाँ पर आए हुए हैं परबड़ा पे। अब थोड़ा मैंने दूर कर लिया, तो वहाँ से हम यहाँ पर आए हुए हैं किसी काम से, तो चलते हुए मजेड़ा साइड पर भी जाएंगे और फिर चले जाएंगे चकोटा साइड पर। तो काफ़ी शानदार नज़ारे और काफ़ी शानदार बेहतरीन गांव है परबड़ा गांव, और पास में किसी ने मस्त यहां पे लहसुन बो रखा है, जो कि बढ़िया हो रहा है। तो फ्रेंड निकलते हैं यहाँ से, हमारा यहाँ पर काम हो चुका है, और नज़ारे आप लोगों को यहाँ से कैसे लगे परबड़ा गांव से हमें कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा। काफ़ी सुंदर गांव है, काफ़ी खूबसूरत बेहतरीन नज़ारे यहाँ पे सुबह शाम दोपहर हर समय यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अभी भी देखिए मेरे पीछे, देखिए सभी जगह काफ़ी बढ़िया नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। तो निकलते हैं यहाँ, दोस्तों हम फिर से पहुंच चुके हैं अभी चकोटा साइड पे, शाम का वक्त है, लगभग आधा घंटा रह गया है। जितनी भी अभी देख रहे हैं आप रिटेनिंग वॉल चिनाई, इस पर करी जाएगी डीपीसी, डीपीसी हो रही है अभी देखिए, और साथ में कॉलम भरे गए हैं। मैं अभी लास्ट में इसकी लुक दिखाऊंगा आपको। तो दोस्तों ये फाइनल लुक,
जो आज चिनाई हुई लगभग, और उसके ऊपर डीपीसी करी है और साथ में उस पर कॉलम भर दिए हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर पहाड़ों पर रिटेनिंग वॉल की चिनाई होती है। और मैं आपको भी बोलूँगा, अगर पहाड़ों में रिटेनिंग वॉल बनाएं तो इसी प्रकार बनाएं ताकि आपको मजबूत रिटेनिंग वॉल देखने को मिले। दोस्तों यहाँ से छुट्टी हो चुकी है, स्टोर का ताला मैंने लगा दिया है और सभी कुछ यहाँ पर काम, अभी तक आपने देखा कि रिटेनिंग वॉल की चिनाई हो चुकी है, उस पर डीपीसी कर दी, थोड़ी बहुत कॉलम उस पर भर दिए। ये है जो फाइनल लुक आ रही है अभी, जो आज दिन भर काम हुआ रिटेनिंग वॉल चिनाई करके, ऊपर से डीपीसी करके और कॉलम जो उस पर ये देख रहे हैं आप, ये भर दिए हैं। पत्थर हमारा काफ़ी है यहाँ पर और मसाला हमने यहाँ पर बनाया, मटेरियल हमारा सारा रोड पर है और रोड से यहाँ पर लाए। और नज़ारे देखिए, शाम के समय में बेहतरीन नज़ारे आ रहे हैं। तो हम भी निकलते हैं कसिया लेक की तरफ को। तो दोस्तों पहाड़ों में हो चुकी है शाम, सनसेट हो चुका है, हम लोग भी घर पे पहुंच चुके हैं और मैं पी रहा हूँ अभी शाम की चाय। और देखते हैं यहाँ कौन क्या कर रहा है और आपको शाम के बेहतरीन नज़ारे दिखाता हूँ घर से। तो चलिए देखते हैं कौन क्या कर रहा है यहाँ पे। ये तो हमारा चिम्मू, चिमन। कन्नू लगाया हुआ है मस्त अपनी साइकिल दौड़ाने में, पूरी सीख ली इसने, बैलेंस बढ़िया बना लिया। पुष्कर खाली उसको देख रहा है, पुष्कर, और पुष्कर कुछ नहीं कर रहा है। और मैं आ गया हूँ छत पे, यहाँ पे हरीश भाई और भाभी लगे हुए हैं एक झोपड़ी तैयार करने में। और इसको बताता हूँ क्यों, क्योंकि ये पहले भी थी और बर्फ़ जब इसके ऊपर गिरी तो ये गिर गई थी। और ये इसलिए बनाई जा रही है ताकि जो ये देख रहे हैं नीचे लकड़ियाँ वकड़ियाँ यहाँ पर रखी जाएंगी ताकि बारिश में भीगने से बच जाए। तो ये चला है कार्यक्रम। तो दोस्तों पहाड़ों पर हो चुकी है शाम और आसमान में चांद भी खूबसूरत चमक बिखेरे हुए हैं और खूबसूरत माहौल बना हुआ है, काफ़ी शांति महसूस हो रही है। तो ये था हमारा दिन भर का ब्लॉग, पहाड़ों की खूबसूरती आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट में शेयर करिएगा। तो मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।